इसके बाद में क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगला बीबीक्यू 114, ये है की फैक्टर का क्वेश्चन। की फैक्टर क्या कंसेप्ट है? कोई भी ऐसी चीज जो आपके प्रोडक्शन या सेल को रिस्ट्रिक्ट करता हो कंपनी के अंदर, उसे हम की फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लेबर आवर्स इतने हैं ही नहीं कि हम ओवरऑल प्रोडक्शन बना पाए, यानी जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए, या हमारे पास मटेरियल की शॉर्टेज है, या हमारे पास मशीन आवर्स की शॉर्टेज है, तो कोई भी एक चीज आपका की फैक्टर बन सकता है। की फैक्टर का मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपकी सेल को या प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता हो। तो की फैक्टर का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, इसका क्वेश्चन आजकल आईसीए घुमा फिरा के पूछ भी रहा है। की फैक्टर के केस में आपको सिंपली स्टेप वन लेना होता है कि आप क्या करिए, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालिए इन टर्म ऑफ की फैक्टर, जो भी की फैक्टर हो। जैसे मान लो की फैक्टर लेबर आवर्स है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर किलोग्राम, इस तरीके से आप पहले कॉन्ट्रीब्यूशन उस टर्म में निकालिए जो भी की फैक्टर की टर्म दी जाए। स्टेप टू आपके पास रहेगा कि इन सबको रैंक दीजिए, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन की फैक्टर के टर्म में सबसे ज्यादा होगा उसको रैंक वन, जिसका कम उसको रैंक टू, फिर इसी तरीके रैंक थ्री फोर फाइव चलती रहेगी। ओके, फिर स्टेप थ्री हमारे पास आता है कि आपको अब अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, रिसोर्सेज एलोकेशन। तो रिसोर्सेज एलोकेशन बड़ा सिंपल है, इसको हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ऑप्टिमम या ऑप्टिमल प्रोडक्शन। ये बड़ा सिंपल है, जिसकी रैंक वन है सबसे पहले उसे रिसोर्स एलोकेट करेंगे, जिसकी रैंक टू है उसके बाद उसका नंबर, फिर जिसकी थर्ड है उसका तीसरा नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास इसके ऊपर ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है, स्टडी मॉड्यूल में भी है, आरटीपी एमटीपी में भी आता है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा अगर की फैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो। मोल लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स वाई जेड एंड हैज डिसाइडेड टू एनालाइज इट्स प्रोडक्शन मिक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, तीन प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स वाई जेड। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 160 120 80 है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 8 रुपए 20 रुपए और 12 रुपए हैं। डायरेक्ट लेबर हमारे पास डिपार्टमेंट ए और बी दो डिपार्टमेंट हैं, लेबर का रेट है 4 और 8 रुपए पर आवर, और एक्स पर 6 और 6 घंटे लगते हैं दोनों डिपार्टमेंट पे, वाई में 10 और 15 घंटे लगते हैं, जेड में 5 और 12 घंटे लगते हैं। फ्रॉम द करंट बजट फर्दर डिटेल्स एंड गिवन बिलो, कह रहे हैं एनुअल प्रोडक्शन एट प्रेजेंट 10,000 यूनिट एक्स की, 12,000 यूनिट वाई की और 20,000 यूनिट जेड की है, ठीक है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 312 रुपए, 400 रुपए और 240 रुपए है, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल सेल इन कमिंग ईयर, आने वाले साल में हमें लगता है ये 10 की जगह 12,000 यूनिट बिकेगी, ये 12 की जगह 16 और ये 20 की जगह 24,000 बिक सकती है, यानी सबकी डिमांड बढ़ने वाली है। देयर इज कॉन्स्टेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए, कह रहे हैं डिपार्टमेंट ए में लेबर की शॉर्टेज है, एंड इट्स मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल, जितनी इनकी अभी मैन पावर है उसको नहीं बढ़ा सकते। तो आपकी मैन पावर अभी कितनी है? आपकी मैन पावर अभी 10,000 यूनिट एक्स की, 12,000 वाई की और जेड की, 20,000 यूनिट बनानी मैन पावर आपके पास है डिपार्टमेंट ए में। तो डिपार्टमेंट ए में आपने 6 घंटे दिए एक्स को, 10,000 यूनिट है उसकी, ठीक है। 12,000 यूनिट आपने वाई की बनाई है जिस पर 10 घंटे देते हो आप, प्लस जेड की 20,000 यूनिट आपने बनाई है जिनको आप 5 घंटे देते हो, तो 100,000 घंटे जेड पर आपने दिए हैं, 120,000 वाई पे दिए हैं और 60,000 एक्स पे दिए हैं। तो आपके पास 60,000, 120 और 1,00,000, टोटल 2,80,000 आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं अभी। ये रिस्ट्रिक्टेड हैं कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते इसको, ये हमारे पास लिमिटेड है। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है यहां पर आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स ऑफ मोन लिमिटेड, आपको बताना है बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा। इसके अंदर सिंपली हम सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहां पर सेल प्राइस आ गया, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट माइनस कर दिया, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट माइनस कर दिया, वेजेस पर यूनिट हमने माइनस कर दी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर हम आ गए। अब हमारा की फैक्टर क्या था? की फैक्टर था डिपार्टमेंट ए के लेबर आवर्स। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया कि एक यूनिट कितने कमा कर देती है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे एक यूनिट कितने घंटे लेती है, जो हमारा की फैक्टर है। तो डिपार्टमेंट ए में एक्स पर लगते हैं 6 घंटे, वाई पर लगते हैं 10 घंटे और जेड पर लगते हैं 5 घंटे, तो 6, 10 और 5, यहां पर हम 6, 10 और 5 आवर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर। तो की फैक्टर की टर्म में आपके पास कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 72 रुपए का कंट्रीब्यूशन 6 घंटे पर, तो 12 रुपए पर आर हो गया, ये 12 रुपीज पर आर, एक घंटे में 12 रुपए, ये 10 रुपए पर आर और ये 8 रुपए पर आर। अब आपको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है की फैक्टर की टर्म में। तो 12 रुपए सबसे ज्यादा है इसकी रैंक वन, 10 रुपए उससे कम है रैंक टू, 8 रुपए उससे कम है रैंक थ्री। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ रैंक निकाल लिया, कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर निकाल लिया। अब हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास 2,80,000 आवर्स हैं, हम अपने जो रिसोर्सेज हैं सबसे पहले रैंक वन वाले को देंगे।
तो रैंक वन वाले को कितनी यूनिट बनानी है? 12,000। हम इसकी 12,000 यूनिट अलाउड कर देंगे। एक यूनिट पे 6 घंटे लगते थे, तो 72,000 आवर्स इसको दे दिए। टोटल 2,80,000 आवर्स हैं, ठीक है। रैंक टू किसकी थी? वाई की। इसकी 16,000 यूनिट बननी है, दे दो जी। हर यूनिट पे 10 घंटे लगने थे, ओके 160 दे दिए। अब घंटे कितने बचे हमारे पास? 280 में से 72 और 160 अलॉट हो गए, 48,000 आवर्स हमारे पास बचे। ये बचा खुचा जो है वो रैंक थ्री वाले को मिल जाएगा, तो रैंक थ्री में 9,600 यूनिट ही बन पाएंगी, जबकि जेड की जो डिमांड है वो 24,000 है। तो जेड कॉम्प्रोमाइज करेगा क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन पर आवर सबसे कम दे रहा है, बाकी दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बाकी दोनों आराम से प्रॉपर वे में काम करेंगे। इससे 9,600 हो गई, ये कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो जिसकी सबसे कम रैंक होगी वो रिसोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, उसका प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, बाकी सबका प्रॉपर प्रोडक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास 37,800 यूनिट हो गई, 37,600 एबीसी की, ओके। अब कह रहे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन सिंपल है, 12,000 यूनिट पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, 16,000 पे कितना और 9,600 पे कितना। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकलकर आ गया, की फैक्टर इस तरह से चलेगा।